आपका अपना चैनल न्यूज TNN लेकर आया है आज की प्रमुख सुर्खियां। असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में आज बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक शुरू हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की शुरुआत की। बताया गया कि इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल थे। अमरावती में भी दोहराई गई उदयपुर जैसी घटना। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर बेटे बहू के सामने दवा व्यापारी की गला रेत कर हत्या। 5 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार। उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या के मुख्य आरोपियों की पेशी के दौरान गुस्साई भीड़ और वकीलों ने जमकर की पिटाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के एजेंडे को ले जाएंगे आगे। वहीं साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास 170 विधायकों का समर्थन है, फ्लोर टेस्ट के लिए हम पूरी तरह तैयार। यूपी के सहारनपुर में कारोबारी और बजरंग दल के कार्यकर्ता को मिली धमकी भरी चिट्ठी। उदयपुर की तरह जान से मारने की चेतावनी दी गई। मणिपुर के नौनी जिले में रेलवे निर्माण स्थल पर हुए भीषण भूस्खलन में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 18 लोगों को जिंदा बचाया गया है। बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। मलबे में कई और लोगों के दबे होने की आशंका है। राजनीतिक दलों पर CGI MV रमन्ना का तंज। कहा, वो चाहते हैं उनके हिसाब से चले सब काम। देश में कोरोना के मामलों में फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, जबकि 29 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान में सऊदी और UAE जैसे देश अपना कचरा भेज रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर सीनेट की स्थायी समिति पाकिस्तान में कचरा निर्यात की स्थिति को देखकर हैरान हो गई। पाकिस्तान हर साल 80,000 टन कचरा विदेशों से इंपोर्ट करता है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5वें टेस्ट मैच में दूसरे दिन पे इंग्लैंड के खिलाफ जारी 5वें टेस्ट में टीम इंडिया की पहली पारी 416 रन पर सिमट गई है। भारत के लिए ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने शतकीय पारी खेली। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज TNN।